गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्निंग सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 3, पेज नंबर 10, चैप्टर 2। हमारे पाठ का नाम क्या है? ईमानदार रामू। मतलब ये पाठ किस पे बेस्ड है? ईमानदारी पे बेस्ड है, क्योंकि नाम ही क्या है, ईमानदार रामू। इसमें रामू नाम का जो लड़का है वो क्या है, बहुत ईमानदार है। एक गाँव में रामू नाम का लड़का रहता था। उसके गाँव का नाम सकरपुरा था। क्या एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था? रामू के गांव का नाम क्या था? सकरपुरा। वह सरल विचारों का लड़का था। वह इतना गरीब था कि उसके पास एक कुल्हाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। क्या कहा गया? वह सरल विचारों का, मतलब एकदम सादा लड़का था। उसके दिमाग में कोई गंदे विचार नहीं थे, सरल अच्छा लड़का था। वो गरीब था, और वो कितना गरीब था कि उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक कुल्हाड़ी के। वह जंगल में लकड़ी काटता था और लकड़ियों को बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। क्या करता था? वह जंगल में से कुल्हाड़ी के द्वारा, ये आपको दिख रही है, इसके हाथ में कुल्हाड़ी है, रामू है, ये कुल्हाड़ी है, और ये क्या करता है, पेड़ काटता है, उसकी लकड़ी काटता है और उसको बेचकर अपना जीवन व्यतीत, मतलब अपने जीवन का गुजारा करता था। एक दिन नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था तो अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। रामू बहुत दुखी हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब अपना जीवन यापन कैसे करेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या कहा है कि एक दिन वो क्या कर रहा था, लकड़ी काट रहा था, वो भी किसके किनारे, नदी के किनारे। ओके, तब कुल्हाड़ी अचानक से छूटकर नदी में जा गिरी। अब रामू बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा, मतलब वो अपना जीवन कैसे बिताएगा, क्योंकि वो कुल्हाड़ी के सहारे ही, कुल्हाड़ी उसका इकलौता सहारा थी कि वो उससे लकड़ी काटता था और को बेचता था और अपने उससे पैसे कमाकर अपना जीवन गुजारता था। रामू को तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसके दुख भरे क्रंदन को सुनकर एक विचित्र बूढ़ा उसके पास आया। बराबर, ओके डियर, दुख भरे क्रंदन, क्रंदन मीन्स ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोना। उसके रोने की आवाज़ सुनकर एक विचित्र बूढ़ा उसके पास आया। जैसे ही उसे पूरी घटना का पता चला तो वह बूढ़ा नदी में कूद गया और थोड़ी देर बाद सोने की एक कुल्हाड़ी निकाल कर लाया। क्या कहा गया है बच्चों, कि वो जो विचित्र बूढ़ा था उसे भी पता चला कि उसके पास पैसे नहीं है और उसकी कुल्हाड़ी गिर गई, अब अपना जीवन यापन कैसे करेगा। और उसे जब पूरी घटना का पता चला तो नदी में कूद गया, थोड़ी देर बाद सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर लाया। कौन? विचित्र बूढ़ा। उस बूढ़े आदमी ने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो रामू ने क्या जवाब दिया, नहीं बाबा, यह मेरी नहीं है, ये रामू ने कहा। बूढ़ा आदमी फिर नदी में कूद गया और थोड़ी देर बाद चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया। चांदी की कुल्हाड़ी को देखकर रामू ने कहा, नहीं, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तीसरी बार बूढ़ा लोहे की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आया तो बूढ़ा नदी से जल के देवता के रूप में बाहर आया। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो हमें विचित्र बूढ़ा बताया गया वो रियल में कौन था? जल देवता था। वो तीसरी बार जब उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया तो वो अपने असली रूप में बाहर आया। रामू खुश होकर बोला, हाँ हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। रामू ने खुश होकर बूढ़े को आश्चर्य से देखा और धन्यवाद देते हुए कहा, बाबा, आप मेरे लिए ईश्वर के समान है, क्या आप जल के देवता है? क्योंकि रामू ने तो उसे किस रूप में देखा था, एक अलग से बूढ़े के, विचित्र बूढ़े के रूप में देखा था, लेकिन वो जब पानी में से तीसरी बार बाहर निकले तब वो जल देवता के समान निकले, और वह जब तीसरी बार निकले तो वो लोहे की कुल्हाड़ी लेके भी, उसकी कुल्हाड़ी लेके भी निकले थे। तो रामू वो देखकर खुश हो गया और रामू ने आश्चर्य से क्या पूछा, धन्यवाद देते हुए कहा, बाबा, आप मेरे लिए ईश्वर के समान है, क्या आप जल देवता है? ये कौन पूछ रहा है? रामू जल देवता से सवाल पूछ रहा है, क्या आप जल देवता है? जल के देवता ने कहा, बेटा, न तो तुम लालची हो और न ही बेईमान, इसलिए तुम लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ ये सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियाँ भी रख लो। वह बूढ़ा वास्तव में जल देवता थे, जिन्होंने ईमानदारी और सच्चाई का साथ दिया था।
सचमुच उस दिन से रामू अमीर बन गया। फिर भी वह अपना काम स्वयं करता था, स्वयं मतलब अपना काम वो खुद करता था। इतना अमीर होने के बावजूद उसने किसी को नौकर के रूप में रखा नहीं। वह जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था और उन लकड़ियों को गरीबों में बाँट देता था। और ये पाठ के लेखक कौन है, ये पाठ किस पर आधारित, एक लोक कथा के आधारित है।